गया ये देखो अपने गहराई से जुआ देख रही है। है भी मेरे पागल जुए मार रही है ये देखो इसके जुए हो गए हैं गाइस। बहुत रात भर खुजाती है सुबह नहा लेती है। एक लगेगा मेरे रायते का तड़का। सोनू देख बाल खोल रही थी मेरे बालों में ये क्या हो गया देखियो इतने सारे मेरे बाल ले जाएगी रबड़। देखो हमारी बच्ची को भूख लग रही है अब कारखाने में जाने से पहले इसको डोज देना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड कैसे आप लोग आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग विद किरण में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने घर की हालत दिखाती हूँ जो सोनिया की वजह से कितनी गंदी पड़ी है। इतनी गंदी पड़ी है मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये मुझे ऐसे घूर के देखे जा रही है जैसे मुझे अभी खा जाएंगे क्योंकि इनको खाना भी नहीं मिला है। तो ये खा सकती है लेकिन मैं रोटियां सेक के ला रही हूँ कि ये मुझे ना खाए। और देखो इन्होंने आज फैला रखा है पूरा घर। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे फैला रखा है। ये देखो इतने सारे कपड़े तो इनके रिटायर हो गए हैं। इसमें से ये मेरे हैं और ये भी मेरे हैं। ये इनके हैं जरा से। तो अब ये कैसे बैठी हैं कि मम्मी बस देख लो कपड़े खत्म। कपड़े खत्म हो जाते हैं तो आपको तो पता ही है फिर क्या करते हैं। क्या करते हैं फिर कपड़े खत्म होते तब शॉपिंग। क्योंकि जब अलमारी में इतने भरे तो ये सब रिटायर वाले हैं इनके। और ये जा रहे हैं अलमारी के अंदर क्योंकि ये डेली वेज के हैं। अच्छा सजा रखी अलमारी को आपने सेट कर दिया भाई। कपड़ों की तो कमी कहीं से कहीं दिख नहीं रही इसलिए मैं इसको कहीं नहीं ले जाऊंगी। इनमें ही इनकी जिंदगी कटवाऊंगी और फिर जब जब ज्यादा कपड़े मांगेंगे तो इनकी शादी कर देंगे। अपनी ससुराल में जाके लेंगी कपड़े। शटा पटा कुछ नहीं मेरे बस की नहीं। अब तो मैं कपड़े वपड़े दिलवाने पूरे घर में कपड़े बिखेर रखे हैं। इसमें से मुझे नहीं लग रहा कोई से इनके पहनने वाला है। देखो चलो रोटी बना दिए रोटी खा लो पहले। तो मैंने खाना बना लिया है। सब्जी बन गई है मेरी मिक्स वेज। ये आटा लगा के रख दिया ये फूलने के लिए रखा है बहुत अच्छा हो जाता है इसे करने से। दही जमा दिया है बर्तन पड़े हैं अभी मेरा काम भी है थोड़ा बहुत ही रह गया ज्यादा नहीं है। सोनू उठ जाओ। उठ गई कहने से पहले ही। तो गाइस अब हम इनको खाना खिला के फिर आपसे मिलते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हमारा कुछ और प्लान है लेकिन अगर फ्लॉप नहीं हुआ तो है नहीं तो फ्लॉप ही है कुछ भी। इनको जुआ मिल गया है ये देखो अपने गहराई से जुआ देख रही है। है भी मेरे पागल जुए मार रही है ये देखो इसके जुए हो गए हैं गाइस। बहुत रात भर खुजाती है सुबह नहा लेती है। एक भी नहीं है ड्रामा जुआ इतना मोटा मिला था जिसके गाइस आज मुझे देखने पड़ेंगे दोपहर में। धूप निकलेगी ना तब चेक करूंगी धूप में। गुस्सा जब है तो झूठ क्या होता है। मैं झूठ नहीं दिखाती कुछ भी रियलिटी दिखाती हूँ। इसके सर में जुए भरे इसके बालों को भी झड़ा दिया उनने जड़ खा के। तो मैं चलो इसको खाना दे दूँ पहले तब देखती हूँ उसके जुए तो ये क्या हो गया देखियो इतने सारे मेरे बाल ले जाएगी रबड़। हरकतें करती क्यों अब ये ना लगाऊं। ये रबड़ ऐसे लगाने की नहीं है भाई। फिर मम्मी इट्स तो गेटिंग खींच ना मत। मैं खोल के लपेड़ लू इन बालों को देखा तो ये बना हुआ है। लग रहा है कि कुछ निकले बाल तो नहीं निकलेगी। कैसे नहीं निकल जाएगी एक मिनट में निकल गई रात भर में। ओ मेरे को ध्यान ही नहीं रहा मैंने ये लेके लगा ली मैंने। और पता है 3 घंटे लगाए थे कि बाल ढीले ना हो क्योंकि बालों में से बहुत जल्दी सरक जाती क्लेचर भी रबड़ भी ये। और ये इतना है कि ये अब इन्हें फंसा लिए बालों को। ये सिंपल बालों में भी तो लगाने इसको धोने इसको तो तुमने ऐसे बनाएगी निकल गई। कितने साले बाल वो तो इसने निकाल दिया। अगर मैं निकालती ना तो मैं तो बस ऐसे खींच फांच के कर देती। टकली हो गई बचाने की ये बहुत कोशिश कर रही है मेरे बालों को। कल भी इसने बहुत सेवा की बालों की और मैंने ये रबड़ लगा के आज अपने कम से कम 10-12 बालों को तोड़ दिया। वो तो शुक्र है इनकी वजह से 10-12 ही टूटे वरना इतने मोटे गुच्छे में थी ना सारे चले जाते। इतने प्यार से करती है मेरी गुड़िया है मेरी बहुत लाडली है बाल खराब हो जाते जुए देखना इसके जुए है मैं बचा लू मेरे को लगा मेरे जो अपने मैं इससे चपक के मेरे जुए ना हो जाए। ये देखो और हाँ आज एप्पल का फोन छोड़ के कौन सा फोन चला रही है
इतना पुराना फोन है, इसको छोड़ ही नहीं रही है। ये देखो इसकी हालत तो देखो, चल गया ये देखो, ये कहाँ गया? इसकी हालत तो दिखाओ, इसमें ना कोई कैमरा है, ऊपर लगेगा मेरे रायते का तड़का ऐसी स्टाइल में। ओ धन जीरा रह गया, चलो मैं इसे करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देसी स्टाइल का तड़का भून के डाल दो, इतना स्वाद नहीं आता जितना ऐसे तड़का लगाने। तो बन गई मेरी रोटी, रोटियां बन गई, सब्जी, ये रायता, सलाद काटते हैं फिर खाना खाते हैं। ले चल खाना खाए, यहाँ खाएगी बाहर वाले रूम में? ना 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 ना, बाहर वाले रूम में आ जाओ प्लीज, मुझे अंदर वाले रूम में अच्छा नहीं लगता बैठना, बाहर ही अच्छा लगता है। तुम खाते खाना आ जाओ बिट्टू। फिर हमारा रायता, सलाद, सब्जी, तो खाते हम खाना। तो गाइज हम लोग बोर हो चुके हैं बहुत ज्यादा, तो हम थोड़ा सा बाहर जाने की सोच रहे हैं, और फैक्ट्री पे भी जाना है। जाओगी? बाहर निकल के फैक्ट्री पे भी जाना है, मुल्ला की दौड़ भाई। सिर्फ हमने ऐसा माल ला के रखा हुआ है ना, उसमें 15 दिन भी करेंगे ना तो तब भी काम है, पूरा सफाई करके छांटना पीटना पड़ता है। ये देखो माल के नाम से कैसे पड़ी है, दिख रही होंगी आपको? मुझे नहीं पता आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पर मैं आपको दिखाई देती हूँ। हाँ दिख गई दिख गई, सही है। चलो खड़ी हो जाओ, इनसे ही काम करवाना गाइस, पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे आ चुकी है। इनके कंधे तभी तो इतने वजनदार है, वजनदार कंधे होंगे तभी तो ये काम कर पाएंगे। और मुझे तो थोड़ा बहुत काम करना अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है सोनू। चलो यार करना तो है, कपड़े चेंज कर लूं चलते हैं। चलो तुम्हें कुछ खिला भी दूंगी, 10-20 रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे तब जाएंगी ये, तो ले चलते हैं गाइस। हम लोग कपड़े चेंज करते हैं फिर चलते हैं फैक्ट्री पे भी चलेंगे, मजे भी कराऊंगे रोड पे, रोड पे रील बनाएंगे आज अपन दोनों। एक रील बनाने की बोल दिया ना, तो उस रील में जो कॉमेडी की हंसी थी ना, इसको वो ही पसंद नहीं आई, कह रही नहीं बनाना कुछ भी है, बना दो। अब मैं इसको क्या करूं, ये देखो उठने का नाम ही नहीं ले रही। जब मैं आपसे कुछ बोलती हूँ तब आप मेरी बात नहीं सुनती हो, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, मैं सुन लूंगी तुम्हारी बात। आप नहीं सुनती हो, मैंने बहुत देर से आपको बोल रही थी तब आप मेरी बात नहीं सुनती। तब गाइस मैं कुछ कर रही थी, तो कुछ करने के बाद ही तो उठूंगी ना। अब इनको लगता है कि एकदम से उठ जाओ, तो गलत बात है ना, एकदम से कैसे उठ जाऊंगी। मैं भी अभी कुछ कर रही हूं। और ये हो क्या क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ में ना फोन है ना कुछ है? मैं देखिए आराम कर रही हूँ। कर लो फिर तुम आराम, मैं जा रही हूँ अकेली स्कूटी लेके, कर लो आराम ही। गिर जाओगी आप? मैं गिर जाऊंगी, यही तो संभाल रही है मुझे। अनाड़ी हो आप, आपको स्कूटी चलानी नहीं, स्कूटी चलानी नहीं आती है, रोड पे चलेगी वो तो अपने आप चलती स्कूटी। तो ठीक है, इतना वजन लेके मैं नहीं बैठ पाऊंगी। मेरे कपड़े कहाँ रख दिए? ओ भाई साहब, इतना तो वजन कम नहीं करती हो जितना तुम खाने के लिए कह देती हो। चलो भाई कपड़े चेंज करते हैं फिर निकलते हैं। मम्मी मम्मी जल्दी आओ यार, लेट करती हो, लाइट बंद करो। आ गई, भैया से बातें कर रही हूँ, भैया से बातें कर रही हूँ, तो करते करते चल लो जल्दी। हाँ चलो 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 आ जाओ। गाइस देखो सारा सजा हुआ है, जैनी बाबा के भी तो त्योहार चल रहे हैं शायद। ऐसे कौन बोलता है जैनी बाबा को? जैनी बाबा ही बोलते हैं हमारे मैडम, सच में। और गणपति के भी विसर्जन है तो इसलिए रोनचौन है रोडों पे। बस आ रही है पीछे एक्टर। खाने पीने की दुकान है, और सोनिया इधर गाड़ी कर ली है धीमी। मम्मी यार मान जाओ, तुमसे अच्छा कौन है? रुक गई रुक गई रुक गई, आंटी मोमोज पे रुक जाती है। नहीं रुकना मुझे, नहीं रुकना, बर्गर खाना तो बर्गर वाले ने तो प्रेम नन्हे की खा ले, कोई बात नहीं, इसका नहीं खाऊंगी, गंदा होता है, चाची खा रही है। अच्छा देखो हमारी बच्ची को भूख लग रही है, अब कारखाने में जाने से पहले इसको डोज देना पड़ेगा, नहीं तो ये काम करवाना बंद कर देगी।
अब ये खा के ना फिर बहुत अच्छा काम करवाएगी, फिर से खाने देते हैं क्योंकि शर्म आ रही है इसको, मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी। वाओ, अच्छा आधा मेरा है आधा इसका है, इसी पर डाउट मत करना। ना मुझे भी खिला, अपने आप खा लो, मुझसे वो निकल जाता है, वो ढंग से नहीं खाया जाता, पीछे से इसका पूरा हिस्सा निकल जाता बाहर, निकल गया फिर से। मम्मी आप पूरे हाथ गंदे कर दो, टिश्यू पेपर मांग के लाओ यहाँ से। लो मैं मांग के ला रही हूँ। देखो गाइस ये खाती हैं खुद और रील बनवाती हैं और उसके चक्कर में पूरा खुद ही खा गई और नाम मेरे लगाया कि मैं बर्गर खाने आई हूँ और ये खा पूरा मम्मी खुद रही है और कोल्ड ड्रिंक भी खुद पी रही है आप लोग, और सब कहते हैं कि तू खाती है, मैं नहीं खाती, मम्मी खाती है। जल्दी मैंने अभी एक बाइट लिया है, अब एक और मंगाना पड़ेगा, ये वाला पूरा आपने खाया है, ये हो गया चल खा लिया, अब इतना मैं नहीं खा रही, काम चला दूंगी। मम्मी आप पूरी बोतल कोल्ड ड्रिंक पी गई, पूरा बर्गर खा गई, आप मोटी हो जाओगी। मोटी हो जाऊंगी तो अपना खा रही हूँ, मैं गाने ऊंची आवाज में सुनती हूँ, किसी के बाप की नहीं सुनती। मेरी सुन ले, है मेरी सुन, तो ले नहीं पी रहे, तेरी सुन ली, पी लो पी लो, अच्छी है कि तुम्हें सुन ले, पी लो फेंकनी पड़ेगी मेरे को, मैं नहीं पीऊँ तेरे को, अच्छी लगती। चलो पुलिसों के सामने, तो पुलिस वाले का पकड़ के ले जाए, बहुत सारे लेडीज खड़े हैं, क्रिमिनल, जल्दी चल ले, चलो चलो हो गया, तो डर ही नहीं लग रहा कि क्या चप से खाने। मम्मी ये क्या चप रख लो, ये पर्स में रख लो, ये वाले से ये भी नहीं छोड़ रहे, दो रुपए की है, कैसे लगे हैं, दो रुपए की है, दो रुपए की अलग से भी इससे खा लिया, नहीं इसी के साथ। हम निकल पड़े हैं हम अपनी फैक्ट्री की तरफ, खिला दिया इसको, अब करेंगे हम काम, और अब काम भी इससे पूरा लूंगी, 11 बजे तक लाऊंगी अब घर पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पेट भर गया। अमन नहीं करेगा ना, इसका थोड़ा सा चाहिए होता है शाम को, थोड़ा सा आधा आधा बर्गर तो खा ही सकते, शर्म लगता है। तो गाइस आते ही हम शुरू हो गए अपने काम पे, क्योंकि 2 घंटे का टाइम ही है हमारे पास, 2 घंटे ही हम फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे शरीर गवाही नहीं देता, नहीं गवाही नहीं, टाइम हो जाएगा ना, फैक्ट्री बंद कर देंगे, कारीगर ही नहीं रुकेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ रुक के। कितने कितने की बनानी, 5-5 की, चार-चार की ना। अलग अलग कलर की अलग अलग बनानी है, मिक्स नहीं बनानी, नहीं ये देखो धीरे धीरे जाना, हम घर पे आ चुके हैं और देखा कि कपड़े धुल चुके हैं मशीन में क्योंकि इन्हें लगा के गए थे, तो अब हम इन्हें सुखाते हैं, फिर हम बनाते हैं खाना और फिर खाएंगे हम खाना। साक्षी अपने हैंड वॉश कर रही है, देखो कितने अच्छे से करती है, बहुत अच्छी लड़की, एकदम मैनर्स वाली, कपड़े भी इसी ने ही धोए, वैसे तो इसने नहीं धोए, इस मशीन ने धोए पर डाले इन्होंने थे, मुस्कुराहट देखी इनकी पर खुल के नहीं हंसना चाह, कल के कपड़े सूखे नहीं, तुमने कपड़े क्यों धोए, मशीन ने धोए, मशीन को डांटो, डाले तो तुम ही हैं, जब कल के नहीं सूखे तो आज धोने की क्या जरूरत थी, या तो बाहर रखा करो स्टैंड को, ऐसा उल्टे काम गीला कपड़ा दिखाइए, एक भी गीला कपड़ा, हाथ धोके मुंह धोया जाता, इसी से हाथ धुल जाता, इसी से मुंह धुल जाता, गंदे हाथों से मुंह धोएंगे तो मुंह गंदा हो जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे। ओ यस, मुझे तो पता ही नहीं, तभी मैं कहूँ कि मेरा मुंह कैसे खराब हो रहा है। चलो मैं अभी अपने हाथ धो के मुंह धोऊंगी फिर कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी ऐसे उसमें फिर कीटाणु जो उसमें चले जाएंगे कपड़ों में, तो मुंह धोती हूँ और हाथ धोती हूँ, मोबाइल भी धो ले साबुन से। तो गाइस ये अपना एप्पल का मोबाइल भी साबुन से धो रही, इसलिए मैं अपनी ब्लॉगिंग करना बंद कर रही हूँ, हाथ मुंह धो के अब मम्मी सुखा रही कपड़े, कितनी अच्छी बन गई है ये, अच्छी तो पहले से है, मुंह पूछ तो लो, पता कैसे चलता है कि मैंने धोया है पता कैसे चलता है मैंने मुंह धोया, हाथ धोए फिर मैं कपड़ों को टच कर रही हूँ, इतनी हंसने की बात है तुमने कहीं ना मुंह पहुंच लो, अच्छा इसलिए अच्छे से सुखाना, आप बहुत गड़बड़ सुखाती हो,
सोनू मैं मोबाइल पकड़ ले रही हूँ। हाँ पकड़ लो आप, क्योंकि आप बहुत गलत सुखाती हो। इतनी बड़ी तुम्हारे सुखाने से नहीं हुई हो तुम। हाँ वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आदमी गलत कर करके जीवन काट देता है, फिर बाद में उसको पता लगता है कि मैं गलत करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि काम होता नहीं था, गलत होता था, पर देखो ऐसे ही तो सुखाते हैं, मुझको सब पता है। अब मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं अब करती नहीं हूँ ना, इनको दे रखा है ये सारा काम मैंने। हाँ ये थोड़ी ना है कि आप करती थी तो आप सही करती थी और अब मैं बता रही हूँ तो गलत बता रही हूँ। तुम करती नहीं हो ना, करती हो तो अच्छे से करती। मम्मियों की और सासों की आदत यही होती है, कोई चीज बता दो ना कि आप अच्छी नहीं करती हो, ऐसे किया करो। इतने बड़े तो ऐसे ही हो गए। अरे हाँ ठीक है, मान आप करते हो आप लोग, पर कभी कभी गलत भी हो सकते हो यार। कपड़ा सुखाना किसको नहीं आता, बस वही है कि अब जगह नहीं है तो मैं एक के ऊपर एक डाल देती हूँ कभी कभार। हाँ अभी नहीं पहनना है इसलिए डाल देती हूँ, पर नहीं अच्छे से डालने चाहिए एक एक कपड़ा। तो और तो जो बचे वो कहाँ ले जाऊं, कहीं और डालो। तो अभी कल वाले नहीं सूखे वो कहाँ डालो, सब सूख गए बेमतलब की। कल वाले नहीं सूखे, कल देख वाले लो, नहीं सूखे, देखो उनको कौन से गीले हैं। अभी हम रख नहीं सकते ये साइकिल पे जो है, अभी हम उन्हें अंदर नहीं रख सकते, तो कल धूप में डाल देंगे एकदम मस्त हो जाएंगे। हाँ पानी तो चू नहीं रहा उनमें से, बस ये कल स्टैंड को बाहर रखोगे। चलो डालो कपड़े। ओके तो गाइज हम लोग ने सारा काम कर लिया है और खाना में खाना नहीं था इसलिए हमने बनाया नहीं, क्योंकि हम लोग बर्गर खा लिया था ना तो बर्गर से फिर भूख नहीं लगी। अब हम पी रहे हैं प्रोटीन वाला दूध और ये पार्ले जी का बिस्किट, क्योंकि इन्हें बिना खाए पिए तो थोड़ा सा नींद नहीं आती ना, इसको देना बहुत जरूरी होता है मेरे को टाइम टू टाइम। तो भाई इतनी देर पहले बर्गर खाया था, अब एक गिलास दूध पी के तो नींद आएगी। बिल्कुल मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अब कमेंट करके कोई बोला तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे तो तुम ये बहुत सही लड़की है, सही बोलती है कि आप इतना तो खाना ही पड़ेगा भाई। बर्गर कब खाया था हमने, कब खाया था? तो मोटी हूँ तो खाना छोड़ दूँ क्या? नहीं ज्यादा भूख लगती है पागल, मोटे हैं तो ये लोग समझे तब तो हमारी फीलिंग मेरी। आपको तो भूख लगती नहीं? हाँ मेरे को तो भूख नहीं लगती है, इन्हीं की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई कोई कमेंट ना करें क्योंकि इतनी मोटी भी नहीं है, ठीक है। गोलू मोलू से बच्चे अच्छे लगते हैं। तो गाइस हम पीते हैं आप प्रोटीन वाला दूध और करते हैं हम स्लीपिंग और इस ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें गाइस, और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। करो बाय 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 बाय। करें भाई की और पीना है दूध, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय गाइस, गुड नाइट। तो गाइस हम आपसे अपने मन की बात कहना भूल गए। शाम को हम फैक्ट्री वगैरह चले जाते तो हम ब्लॉग नहीं डाल पाते, 9 बजे का टाइम दिया था ना आप लोगों को, तो वहां से हम 10 बजे आते कभी 10:30 बजे और 6 बजे नहीं जा पाते कि ब्लॉग डालना होता है। तो गाइज हम अपना टाइम चेंज कर रहे हैं, प्लीज गाइज आप सुबह 8 से 8:30 के बीच में हम डाल दिया करेंगे, तो प्लीज सुबह सुबह देख लिया करना, कोई पोटे करते हुए देखना, कोई सोते हुए देखना, कोई नाश्ता करते हुए देखना, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा और हमारे लिए भी। फिर हम शाम को बेफिक्र होकर कहीं अपने, जैसे काम भी बहुत काम होते हैं तो हम थोड़ा सा काम में बिजी रहते हैं, इसलिए हम अपना टाइम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसलिए मॉर्निंग में ब्लॉग, इसलिए आप मॉर्निंग में डाला करेंगे। तो प्लीज आप देख लेगा ना 8 से 8:30 तक ब्लॉग हमारा, 9 बज जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा बस 8 से 9 के बीच में आ जाए करेगा। 8 से 9 के बीच में नहीं, 9 बजे सही है, 8 और 9 के बीच में ठीक रहेगा ना, डलते डलते भी तो टाइम लग जाता है सब। नहीं नहीं सिर्फ 8 बजे डाल जाएगा फिर तो। हाँ तो 8 बजे डाल देगा। तो प्लीज गाइस सभी लोग देखे, मेरी हाथ जोर से विनती है और मुझे सपोर्ट करे, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वैसे मैं अपना काम तो देख ही रही हूँ और साइड में ये काम भी देख रही हूँ, तो देखते हैं आप लोग मुझे किस में ज्यादा बढ़ाते हैं। वो तो मेरी फैक्ट्री का काम है, वो तो मुझे खुद ही बढ़ना पड़ेगा, इसमें आप लोग बढ़ाएंगे। हाँ। तो प्लीज गाइज अब सब्सक्राइब और वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करें, आप शेयर भी, बहुत उम्मीद है, और जैसे हो सकता है तो शेयर भी कर दो, और अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है तो प्लीज बता दो, क्योंकि अब मेरी घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, तो मुझे अब दोनों काम बैलेंस करके चलना है, ब्लॉग तो बनाना ही बनाना है और फैक्ट्री का भी देखना है, तो मैं अब ऐसे बैलेंस बना सकती हूँ। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।